तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या देखे थे कि पहले हमने देखा कि अगर एसी में सिर्फ रजिस्टर लगाएं तो क्या होगा, सिर्फ एक इंडक्टर लगा दें तो क्या होगा, और सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दें तो क्या होगा, और हमने डीसी के लिए भी उस चीज़ को देखने की कोशिश की कि क्या क्या इफेक्ट हमको मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि रजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज़ में लगा देते हैं, तो देखते हैं क्या देखने को मिलेगा। तो ये हमारा रजिस्टर लग गया और ये हमारा इंडक्टर लग गया, और यहाँ पे हमने एसी सोर्स से ईएमएफ अप्लाई कर दिया जो कि है हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस आर ले लो, इसका इंडक्टेंस एल ले लो। ठीक है ना, इसमें करंट फ्लो कितना होगा, आई फ्लो करेगा। ठीक है ना, तो अब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। यहाँ पे वी आर जो होगा वो क्या होगा, आई इंटू आर, और यहाँ पे वी एल होगा वो क्या होगा, आई इंटू एक्सएल। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए तो वोल्टेज वी आर और करंट आई दोनों सेम फेज में होगा क्योंकि रजिस्टर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इंडक्टर क्या करता है भाई, इंडक्टर का काम है करंट के चेंज होने को रोकना, क्योंकि करंट का चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वो बोलता है मैं नहीं चाहता कि करंट चेंज हो, तो इसका मतलब क्या करेगा, वो करंट को रोक देगा, मतलब करंट पीछे छूट जाएगा ना वोल्टेज से। तो मतलब यहाँ पे वोल्टेज लीड करता है पाई बाई टू से, या मैं बोलूँ करंट लैग करता है पाई बाई टू से। अगर हम आइडियल ले रहे हैं तभी ये चीज़ पॉसिबल है, तो अच्छा ठीक है। तो अगर मैं वी एल यहाँ पर बनाता हूँ तो करंट इससे लैग करेगा, मतलब इससे पीछे छूट जाएगा, है ना, तो वो कुछ यहाँ पे मिलेगा अपने को आई एल, है ना, यहाँ पे आई आर लिख लो करंट जो भी रहेगा उसका। ठीक, अच्छा तो इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, या फिर हम लोगों को एक चीज़ मालूम है कि जो ये सीरीज़ में लगे हैं तो करंट अलग अलग तो नहीं हो सकती ना, तो इसका मतलब दोनों में करंट सेम होगी ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, करंट को इधर ही अगर ले लेते हैं, चलो होगा, कोई दिक्कत है क्या ऐसा सोचने में, या तो वोल्टेज पाई बाई टू लीड करेगा या करंट पाई बाई टू लैग करेगा। अरे भाई ऐसा है कि वोल्टेज जब अप्लाई करोगे तो इंडक्टर क्या करेगा, करंट को आने नहीं देगा, करंट पीछे छूट जाएगा ना। अब सोचो तुम और तुम्हारा मित्र रेस लगा रहे हो, तुम्हारा मित्र आगे निकल गया है और तुम पीछे हो। ठीक, तो एक थर्ड पर्सन, तो कोई तुम दोनों का कोई मित्र है, वो देखा तो वो या तो बोल सकता है कि वो आगे है तुमसे, या वो ये बोल सकता है कि तुम पीछे हो उससे। तो वैसे ही यहाँ पे कि भाई वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से या करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, समझ में आई बात, क्लियर है ना। तो बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा हम लोग इसको समझे अभी। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसमें जो जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, ई जो है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट भी होगा साइनोसॉइडली वेरिंग करंट मिलेगा, तो उसका भी कुछ पीक वैल्यू होगा। तो अगर एज्यूम करें कि आई नॉट पीक वैल्यू है, तो वोल्टेज जो होगा वी नॉट आर अक्रॉस रजिस्टर वो कितना होगा, आई नॉट आर, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा, आई नॉट एक्सएल। ठीक, अब इसका अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, देखो जो फेज में आपका ईएमएफ यहाँ रहेगा उसी सेम फेज में ये वोल्टेज भी रहेगा कि नहीं रजिस्टर में, क्योंकि वो कोई भी लीड और लैग प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे वी आर यहाँ मिलने वाला है, ये ओमेगा टी एंगल पे मुझे क्या मिलेगा, वी आर नॉट, या वी नॉट आर लिखना चाहिए जो हमने उधर लिखा है, वी नॉट आर। ठीक, और करंट जो होगी वो इसी के फेज में होगी क्या, आई नॉट, ठीक है कि नहीं। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या होगा कि हमारा जो वी एल है वो करंट आई से लीड कर रहा है पाई बाई टू, तो करंट आई नॉट इधर है, इससे पाई बाई टू लीड करता हो तुमको यहाँ पे मिलेगा वी नॉट एल। ठीक, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री।
अच्छा, अब देखो यार, जो वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा और इसमें होगा, इन दोनों वोल्टेज का वेक्टर सम ई के इक्वल होगा कि नहीं? हाँ या नहीं? अरे भाई, जितना तुम लगाओगे उतना ही यूज़ होगा ना दोनों में, तो ई जो होगा वो इन दोनों के वेक्टर सम पे इक्वल होगा। और वेक्टर सम कैसे लेते हैं? तो ये क्या मिलेगा अपने को, ठीक है कि नहीं बताओ, है ना? तो अब वेक्टर लैंग्वेज में अगर लिखे हैं, वेक्टर लॉ यूज़ करके, तो क्या लिख सकते हैं अपन? ई इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल वेक्टर, हाँ या नहीं? ठीक। अब इसमें देखा जाए तो ये एंगल 90 था ना, तो ये वाला भी एंगल तो 90 होगा। तो अपन डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लेके लिख सकते हैं क्या? ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ठीक, ये क्या है? ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर क्या है? आई आर का स्क्वायर, आई नॉट आर का स्क्वायर। ठीक, और ये क्या है? आई नॉट एक्स एल का स्क्वायर। तो आई नॉट स्क्वायर कॉमन मिलेगा और आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ ई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ से अपन आई नॉट को क्या लिख सकते हैं? आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक यार, हम लोग ना, ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है? आगे अपन आई नॉट निकालना है, दोनों साइड रूट ले लेंगे। तो ये ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने को आई नोड मिल गया, कितना मिला है? ई बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, हम लोग ई नहीं ई नोड ले रहे हैं ना, तो ये ई नोड, ये भी ई नोड, ये भी ई नोड, ये भी ई नोड। ठीक, अब ठीक है। तो ये अप्लाइड वोल्टेज है और ये उसका अपोजिशन है, तभी आ रहा है करंट। तो ये जो नई क्वांटिटी है, ये मिक्सचर है किसका किसका? रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इम्पिडेंस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इम्पिडेंस। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड क्या हो गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। या एक और क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल ना, तो ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, जो करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल है वो क्या है? ये वाला एंगल है। इसको अपन फाई अज्यूम कर सकते हैं क्या? है ना भाई, जो एक्चुअल वोल्टेज है सर्किट का, वो करंट से फाई एंगल से लीड कर रहा है। इसमें लीड नहीं कर रहा था, इसमें इसमें जो वोल्टेज था वो पाई बाई टू लीड कर रहा था, बट दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये है कि सिर्फ फाई लीड कर रहा है। तो ये फाई अपन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे भाई? तो अपने पास होगा टेन फाई, जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है? ये क्या है? वी नॉट एल, और ये क्या है? वी नॉट आर। तो वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर, ये क्या है? आई नॉट एक्स एल, और ये क्या है? आई नॉट आर। तो ये कट गया, क्या मिला? एक्स एल अपॉन आर, या फिर ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टेन फाइव फाइव भी निकाल लेंगे। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत? ठीक है कि नहीं? तो अब अगर हम फाइनली जो करंट का एक्सप्रेशन है वो लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होगा ना। हमने यहाँ पे जब फेजर डायग्राम बनाया तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये हो गई है कि ओमेगा टी जो है ना वो ई नॉट का है। देखो ये ई का है, ई का। तो ये ओमेगा टी इतना नहीं है, वो पूरा ये आएगा। ठीक है,
तो आई नॉट के लिए जब हम लिखेंगे तो हमको सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, और ये वाला एंगल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ओमेगा टी है, ये इतना फाई है, तो ये क्या होगा, ओमेगा टी माइनस फाई। तो करंट का जब हम फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, समझ में आई है? तो करंट हमको मिल चुकी है, कितना है करंट, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ से हमने एक नया चीज़ सीखे कि इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या है, इट इज़ द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो जब कोई भी आरएल सर्किट या आरसी सर्किट में भी इम्पीडेंस आएगा, आरएलसी सर्किट में भी आएगा, तो जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों प्रेजेंट होगा तो जो नेट अपोजिशन दोनों की वजह से मिलेगा उसको हम लोग इम्पीडेंस बोलेंगे। और फेजर डायग्राम बना के हमको पता चल गया आराम से कि कितना करंट होगा। ठीक है, तो बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत? तो ठीक है, चलो नोट करो। चलो तो अब सीरीज आरसी सर्किट देखते हैं। आरएल सर्किट के जैसे ये भी वही होगा भाई, एक हमने रेजिस्टेंस लगाया, फिर एक हमने कैपेसिटर लगाया, ठीक है, और फिर हमने एक वोल्टेज लगा दिया इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आर है हमारा और ये सी है। ठीक है, अब यहाँ पे वी नॉट आर कितना होगा, आई नॉट आर, या वी आर इज इक्वल टू आई आर। ठीक, यहाँ पे वी नॉट सी कितना होगा, आई नॉट एक्स सी। ठीक है, और वी सी क्या होगा, आई एक्स सी। ठीक है कि नहीं? अब भाई इसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, मालूम है अपन को, है ना, तो वी आर और आई। बट इसके केस में क्या होगा कि कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है, तो यहाँ पे वोल्टेज पीछे छूट जाएगा। अब वोल्टेज पीछे छूट जाएगा मतलब क्या है, करंट लीड करेगा, वोल्टेज पीछे छूट जाएगा तो यहाँ करंट ऐसा होगा तो यहाँ वोल्टेज ऐसा होगा, हाँ या नहीं? ठीक है ना, इंडक्टर क्या करता था, करंट के चेंज को अपोज करता था तो करंट पीछे छूटा तो करंट लैग किया। ठीक, कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है, तो वोल्टेज पीछे छूटेगा यहाँ पे तो वोल्टेज यहाँ पे पाई बाई टू लैग करने वाला है करंट से, हाँ या नहीं? ठीक है ना, तो इसका अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं तो क्या करोगे बोलो? हाँ तो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना पाई बाई टू लैग कर रहा वोल्टेज यहाँ पे, तब इसका अगर फेजर डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा कि हम ले लेते हैं, क्या ले लें भाई, तो हमको लेना पड़ेगा वी आर। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे अपना वी आर है। अब देखो फिर मत पूछना कि सर यहाँ क्यों नहीं ले लिए, यहाँ इसलिए नहीं लिए क्योंकि मेरे को मालूम है ये जो वी सी है वो लैग करेगा तो मेरे को इधर बनाना पड़ेगा, तो और ऐसे कन्फ्यूजिंग डाइग्राम ना बने तो क्लियरिटी के लिए यहाँ पे ले रहे हैं वी आर, या वी नॉट आर लिखें। ठीक, ये भी उल्टा लिख रहा हूँ मैं तो, ठीक है ना। अब उसी फेज में अपना क्या होगा, आई नॉट भी होगा, और आई नॉट से पाई बाई टू लैग करता हुआ अपना वी सी होगा। ठीक है, तो ये अपना वी सी या वी नॉट सी है। ठीक है, अब इन दोनों का वेक्टर सम हमको क्या देगा, क्या देगा भाई, ई नॉट देगा। ठीक, और ई नॉट का एंगल जो होगा वो क्या होगा, पाई बाई टू का, और करंट और वोल्टेज जो लैग कर रहे हैं वो है उनके बीच में जो एंगल है उसको अपन फाई ले लेते हैं। चलो ठीक है कि नहीं, हाँ या नहीं? ठीक है, अब यहाँ भी सेम वही कॉन्सेप्ट है भाई, तो ई को क्या लिखोगे, वी आर प्लस वी सी वेक्टर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ई नॉट स्क्वायर इज टू वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट आर, क्या है भाई, आई नॉट आर का स्क्वायर, ये क्या है, आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर। तो यहाँ से आई नॉट स्क्वायर कॉमन लोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर मिलेगा, तो आई नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी, ई नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस ऑफर हो रहा है वो कितना हो रहा है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, या फिर अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब अगर अपने को देखना है करंट का लिखना है तो करंट के लिए एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस, ये क्या है भाई, अरे ये पाई बाई टू नहीं है बाबा, ये ओमेगा टी है, पाई बाई टू तो ये है ना, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आई का इक्वेशन अपन क्या लिखेंगे इसमें, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज से जो अपना करंट है वो लीड करेगा फाई एंगल से, ठीक है कि नहीं, देख पा रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी है ई का, तो ई से पाई फाई एंगल आगे चल रहा है क्या अपना करंट, इसमें कोई दिक्कत? और ये जो फाई है इसको हम लोग बोलते हैं फेज एंगल, पिछले में बताना भूल चुका हूँ तो उसमें भी इस चीज़ को मेंशन कर लेना कि फाई जो है वो क्या है, फेज एंगल, जिसको हम लोग कैसे निकालेंगे, टेन फाई, टेन फाई क्या होगा देखो जरा, ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये क्या है, वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर, ये क्या है आई नॉट एक्स सी, और ये क्या है आई नॉट आर, आई नॉट काट दो, क्या मिलेगा एक्स सी अपॉन आर, या फिर एक्स सी क्या होता है वन अपॉन ओमेगा आर सी, ठीक है। तो टेन फाई क्या मिला, वन अपॉन ओमेगा आर सी, ठीक, एक्स सी की वैल्यू वन अपॉन ओमेगा सी को सब्सटीट्यूट कर दिए तो ये हमको मिला, बताओ इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलो इसके बाद आरएलसी सीरीज सर्किट की बात करेंगे, चलो तो अब सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करते हैं। तो क्या करें हम लोग, एक रजिस्टर लगा दिए, एक इन्वर्टर लगा दिए, और एक तो हेडिंग चेंज हो जाएगा ना, क्यों टेंशन लेते हो, पहले डायग्राम बना देते हैं, ये बना तुम्हारा एलसीआर, तो कई लोग इसको आर एल सी बोलते हैं, मेरे को एल सी आर निकल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे बीच में एक एल और ऐड कर लो, ठीक, सीरीज आर एल सी सर्किट, ठीक है। तो अब अपन ईएमएफ तो वही ई नॉट साइन ओमेगा टी यूज़ करेंगे, क्योंकि यही हम जनरेट कर पाते हैं बड़े प्यार से। अब बात की जाए इसके वोल्टेज की, तो वी आर क्या होगा आई आर, वी एल क्या होगा आई एक्स एल, और वी सी क्या होगा आई सी, हाँ या नहीं। तो अब यहाँ पे अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट और वोल्टेज वी आर और आई दोनों सेम फेज में, ये इंडक्टर क्या करता है भाई, करंट को चेंज होने से रोकता है, मतलब कौन पीछे छूट जाएगा, करंट, तो ये वोल्टेज आगे चला जाएगा, तो ये अगर करंट है तो ये अपने को वी एल मिलेगा, हाँ या नहीं। और अगर कैपेसिटर की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज चेंज नहीं हो पाता तो करंट आगे निकल जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पर करंट की बात करूँ तो ये अपना वी सी, हाँ या नहीं, बताओ किसी कोई दिक्कत। अब मान लेते हैं पीक वैल्यू अगर आई नॉट है करंट की, तो वी नॉट आर कितना होगा, आई नॉट आर, वी नॉट सी कितना होगा आई नॉट एक्स सी, वी ये सी है ना एक्सएल, ठीक। अब क्या किया जाए भाई, फेजर डायग्राम बनाते हैं, चलो तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए ये हमने ले लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना कहीं पे ले लेते हैं वी आर को, चलो तो ये हमने वी आर एज्यूम कर लिया, और वी आर के फेज में ही क्या मिलेगा अपने को आई नॉट, ठीक है, ठीक ना। अब आई नॉट से पाई बाई टू लीड करेगा वी एल, तो अब पाई बाई टू एंगल पे इसको बना लिया, बोलो कोई दिक्कत, और इससे लैग करेगा पाई बाई टू कौन, वी नॉट सी, हाँ या नहीं। अब मैं ऐसा ले रहा हूँ, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ, हियर आई एम एज्यूमिंग कि जो मेरा एल है वो सी से बड़ा है, मतलब एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, मतलब वोल्टेज अक्रॉस एल इज ग्रेटर देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी, ठीक है ना। तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मैंने एज्यूम कर रखा है, यहाँ लिख देता हूँ कि भाई V नॉट L इज ग्रेटर देन V नॉट C, या फिर बोला जाए XL इज ग्रेटर देन XC, ये हमने एज्यूम करके ही ये फेजर डायग्राम बनाया है, तभी ये बड़ा है और ये छोटा,
हाँ या नहीं? अब क्या करोगे भाई? ये दोनों तो 180 एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ये ऊपर ये नीचे दोनों घटेंगे और ये यहाँ ये मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा? वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, हाँ या नहीं? अब इसका वी नॉट आर के साथ जो सम होगा ये हमको क्या देगा? ई नॉट, ई नॉट का एंगल ओमेगा टी, ठीक है, और ई नॉट और आई नॉट के बीच में एंगल कितना हो गया? फाई, ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो यहाँ से ई को क्या लिखोगे? ई को क्या लिखोगे भाई? पाइथागोरस सम लगा के लिख सकते हो, या फिर तुम वेक्टर सम ऑफ ऑल दिस थ्री लिख सकते हो, तुमको जैसे लिखना है लिखो। तो हम क्या लिख देते हैं? वी आर वेक्टर प्लस वी एल माइनस वी सी वेक्टर, हाँ या नहीं? यही है, यही है कि नहीं है? अब पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो क्या लिखेंगे? ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल का स्क्वायर। अरे यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, वी एल माइनस वी सी लिखना है ना? तो ये तो ठीक है, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक है, तो ये क्या होगा? वी नॉट स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर होगा, ठीक तो है? हाँ, तो ये और क्या होगा? ये वी सी क्या होगा? आई नॉट एक्स ई का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। तो ये सारे में आई नॉट कॉमन निकल जाएगा, और आई नॉट स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स ई स्क्वायर, ठीक। इसका स्क्वायर होगा ना, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होगा। अब ठीक है, तो ये ई नॉट स्क्वायर हो गया, यहाँ से आई नॉट क्या मिला? ई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा इम्पीडेंस क्या आया? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सएल माइनस एक्सी क्यों है? क्योंकि हम एक्सएल को ग्रेटर मान रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ देखते हैं आई नॉट को क्या लिख सकते हैं भाई? आई नॉट को लिख सकते हैं आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये लिखेंगे ना? बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक तो सब कुछ ठीक है यार। अब टेन फाइव लिखते हैं, फेज एंगल टेन फाई, कहाँ है भाई फाई? ये रहा, ये है परपेंडिकुलर, क्या है भाई इसके लिए? ये नहीं, ये फाई है, फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये क्या है? वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर, ठीक है ना? वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपॉन क्या है? आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी डिवाइडेड बाई आई नॉट आर। तो आई नॉट आई नॉट आई नॉट एक्सएल क्या है? ओमेगा एल माइनस, या एक बार ये भी लिख सकते हो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, या फिर ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी डिवाइड बाई आर, तुमको जो इच्छा उसको लिखो। बताओ किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो यहाँ पे जब तुम करंट का एक्सप्रेशन देख रहे हो तो ओमेगा टी माइनस फाइव मिला हुआ है, मतलब हो क्या रहा है? ईएमएफ से करंट लैग कर रहा है, ये इंडक्टर वाला बिहेवियर दिखा रहा है ना? क्यों? क्योंकि अपन ने इंडक्टर को ज़्यादा पावरफुल माना था कैपेसिटर से, ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसमें अब तुम लोगों को मेरे हिसाब से सब कुछ तो इसमें हो गया, इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो एक चीज़ क्या ऑब्जर्व किया, जब एक्सेल का इफेक्ट ज़्यादा था तो हमको कैसा मिला? इंडक्टिव बिहेवियर दिखा। अब अगर इसी में हम लोग एक केस ऐसा लेते जब क्या होता है, एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल हो जाता तो क्या मिलता हमको? यहाँ ये वाली चीज़ नीचे फ्लिप हो जाती कि नहीं? यहाँ पे हमको यहाँ कहीं पे मिलता, क्या मिलता? वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल,
उसका ग्राफ बनाते हैं, तो उस केस में ये ई नॉट इधर कहीं मिला होता, तो उस केस में क्या होता, आई नॉट लीड कर रहा होता और कैपेसिटिव बिहेवियर दिखता क्या? उसका खुद से फेजर डायग्राम बना सकते हो, सेम ऐसे ही बनेगा, बस ये वाली चीज़ अब ये बड़ा बनेगा, ये छोटा बनेगा, यहाँ कहीं पे मिलेगा अपने को वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, उसका बनाओगे तो ई नॉट इधर नीचे मिलेगा और यहाँ पे फिर फाई एंगल से आई नॉट लीड करता मिलेगा, और लीड करने का मतलब क्या है कि कैपेसिटिव बिहेवियर दिखाएगा, ठीक है कि नहीं? तो जब ऐसा करोगे तो तुमको आई कैसा मिलेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ऐसा मिलेगा, देख लेना करके खुद से, ठीक है? अब एक केस ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब XL इज इक्वल टू XC हो जाए, XL इज इक्वल टू XC हो जाए तो Z क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, बोले तो R हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सर्किट यहाँ पे प्योरली रजिस्टिव बिहेव करेगा, वो कैपेसिटर और इंडक्टर का कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। यहाँ कैसा दिखेगा, इंडक्टिव, ठीक है, यहाँ कैसा दिखेगा, कैपेसिटिव। समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को, ये इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये एंगल फाई है, इधर में क्या है, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, हाँ या नहीं? ऊपर क्या है, E नॉट, और ये नीचे क्या है, वी आर, क्लियर? अच्छा, ये E नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट बाई जेड, सॉरी आई नॉट जेड, इसको क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट आर, है ना, एक बार लिख ले, लिख देता हूँ मैं, E नॉट, इसको क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट जेड, इसको क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट आर, इसको क्या, आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्ससी। पूरे में से अगर मैं ये जो आई नॉट है उसको गायब ही कर दूं तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, मुझे यहाँ आर मिलेगा, यहाँ जेड मिलेगा, यहाँ एक्सएल माइनस एक्ससी मिलेगा और ये फाई होगा। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल, इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ एक्ससी माइनस एक्सएल कब होगा, जब ये वाला केस होगा, हम किसके लिए बनाया, जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, इम्पीडेंस ट्राइंगल में कोई दिक्कत? तो यहाँ से तुम लोग ये इंपॉर्टेंट चीज देख लेना कि cos phi जो है वो क्या आ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस r बाई जेड, तो एंगल निकालने के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, फेज एंगल निकालने के, ठीक, बाद में पढ़ेंगे कि cos phi पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।